आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जी जान से तैयारियों में जुटी हुई है। उसी वानगी में अयोध्या जनपद के 271 रुदौली विधानसभा में देखने को मिली, जहां प्रतिष्ठित समाज सेवी और समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे अनित शुक्ला ने अपने सैदपुर स्थित आवास पर एक भव्य कार्यक्रम कर सभी समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को समाजवादी गमछा बाय एक दीवार घड़ी देकर सम्मानित किया। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। विधानसभा रुदौली में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों में जनता की पहली पसंद बनकर उभरे हैं समाज सेवी अनित शुक्ला। रुदौली की जनता का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही तमाम नेताओं में जनता का शुभ चिंतक, जनता का हितेशी बनने की कुर्सी लग जाती है, सब जनता को पलकों पर बिठाने लग जाते हैं। वही चुनाव समाप्त होते ही सब अपने अपने कुंबे में जाकर छिप जाते हैं। जनता फिर से अपने हालात पर टूने रखती है। उस स्थिति में हमारे दुख मुसीबत में अगर कोई डट कर खड़ा होता है तो वो है अनित शुक्ला। 15 दिन अंदर अनित शुक्ला भंडारा किया, गांव देश का खवाई न, और कोई मदद नहीं किया। खवा पिया के 15 दिन गए बस। अपने भंडारा क्या मैं देख रहा हूँ कि लोगों की मदद करते हैं, कोई गरीब लड़की हो उसकी शादी करवाते हैं, कोई चोट खा जाए या ज्यादा बीमार हो जाए तो अपने निजी खर्च से उसका पूरा इलाज करवाते हैं। ऐसा नेता हमने आज तक नहीं देखा, और जरूरत पड़े तो अपने शरीर का लहू भी देते हैं लोगों को। तो मैं चाहूंगा कि अनित शुक्ला भैया जिस भी पार्टी से लड़ेंगे चुनाव, हम इस पार्टी का कोई वो नहीं है। आग लगे के बाद में अनित शुक्ला खवाएंगे खाना 15 दिन। सेवा का जब्जा रखने वाले जो है अनित शुक्ला जो है लोगों की मदद भी कर रहे हैं। इस समय रुदौली विधानसभा में है, जो मदद उन्होंने की है उसका रियलिटी भी चेक कर रही है सारदा न्यूज की टीम। यह लोगों को कहना है कि अनित शुक्ला जो है बिना बताए ही लोगों की समाज सेवा करते हैं, और उसी को चेक करने के लिए जो है इस समय सैदपुर के सैमसी गाँव में है, और वहाँ पे एक रीता यादव लड़की है, उससे हम बात करते हैं कि उसको क्या समस्याएं थी, क्या दिक्कतें थी। क्या नाम पता है आपका? रीता यादव। क्या दिक्कतें थी आप? मेरी रीढ़ की हड्डी गल चुकी थी ना, बोन टीबी हो गया था, तो उसका इलाज अनित शुक्ला भैया ने कराया। और किसी ने नहीं ये पता किया? जी नहीं। तो क्या कहना चाहेंगी? हम उनकी तरफ बहुत सपोर्ट करना चाहेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। हाँ, उनको धन्यवाद देंगे। और तबीयत ठीक रहती है? हाँ, अब तो तबीयत ठीक रहती है। अनित शुक्ला जो बगैर किसी स्वार्थ के तमाम गरीबों का इलाज, उनकी राशन पानी दवा की व्यवस्था, उनकी देखभाल और गरीब बहन बेटियों की शादी कराने का, गरीब परिवारों को गोद लेने का काम पूरी सेवा भाव से कर रहे हैं। जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में सामने आ रहे हैं सब केवल चुनाव तक ही हमारे बीच रहने वाले हैं। अब तक नेताओं द्वारा हमें बहुत छला जा चुका है, पर इस बार हम सब मिलकर अनित शुक्ला का सहयोग करने का मन बना चुके हैं। नेता जितने भी है यहाँ के वादा तो बहुत करते हैं, लेकिन एक चीज है कि बहुत गरीबों पर खड़े नहीं करते। तो जो कोई भी टिकट पाए और यहाँ से जीतेगा तो उसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ की जनता का विशेषकर बहुत ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पे सीट की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है उनकी, बहुत छोटी छोटी दिक्कतें। अगर हम लोग उस पर खड़े उतरे होंगे उनके कार शैली पे और उनका जो थोड़ा थोड़ा सा जो परेशानियां हैं अगर उसमें सही से काम करें तो मुझे नहीं लगता है कि रुदौली विधानसभा से कभी भी समाजवादी का झंडा हटेगा यहाँ से। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। अयोध्या के रुदौली विधानसभा में सपा के संभावित प्रत्याशी और कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं व बूथ अध्यक्षों का जोश देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष गंगा सिंह यादव ने कहा कि आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वहीं कार्यक्रम के आयोजक अनित शुक्ला ने कहा कि रुदौली विधानसभा में इस बार समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा, जिसकी तैयारी हम व हमारे सभी साथी युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। इस बार रुदौली का मिटेगा क्लेश, 2022 में भारी बहुमत से आ रहे हैं अखिलेश। तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी का जो सम्मान यहाँ बूथ कमेटियों को किया गया है उसको लेकर के यहाँ पे जिला अध्यक्ष गंगा सिंह यादव जी हैं, उनसे हम बात करते हैं किस तरीके का यहाँ कार्यक्रम किया। आज 271 रुदौली विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी से टिकट के आवेदक हैं श्री अनित शुक्ला जी, समाज सेवी हैं। इन्होंने कार्यकर्ताओं का ये
सम्मान करने के लिए बूथ प्रभारियों को, सेक्टर प्रभारियों को और आम कार्यकर्ताओं की एक सम्मेलन बुलाया था, जिसमें पार्टी के तमाम लोग, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी यहाँ शामिल हुए, सबको सम्मानित किया गया। तो जी, यहाँ पे पूर्व विधायक जो है अब्बास अली जैदी रुजनी मीना नहीं दिखाई, इस पे हमारे वो सम्मानित नेता हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, तो ना नहीं, आज वो जो है कहीं कार्यक्रम में व्यस्त हैं, बलरामपुर उनको लगा दिया गया है, नेतृत्व ने उनको भेजा हुआ है किसी काम से, तो वहाँ गए हुए हैं। तो सामने भाजपा है आपके, तो किस तरीके से जीत का आप ये लक्ष्य यहाँ पे? अब समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जनता को किल्लत दिया है, तकलीफ दी है, और कोई जनता के उसके लिए उस पर दुख तकलीफों पर खरी नहीं उतरी है। सिर्फ वो अपना यही बता सकते हैं कि हाँ, हम जो है मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो मुफ्त अनाज तो जो है, हम ये कहते हैं कि 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून लागू हुआ था, तो उसके तहत तो सरकार को ये देना ही देना है, और ये कह रहे हैं मार्च तक देंगे। समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि गरीबों को हम पूरे साल जो है दिया करेंगे, मार्च तक और नवंबर तक उसको सीमा में नहीं बांधेंगे। प्रगतिशील पार्टी से आपका समझौता हो तो उसका क्या प्रभाव? ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, वो जो तय करेंगे उस पर सब हो रहेगा। तो ये हमारे साथ जो है जिला अध्यक्ष गंगा सिंह यादव जी थे, उनका साफ तौर पर कहना है जीत के लिए जो है प्रयासरत ही है, और भाजपा की जो नीति है उससे जो है जनता त्रस्त है। और हमारे साथ अनिल शुक्ला जी भी हैं, उनसे हम बात करते हैं किस तरीके का यहाँ पे आप कार्यक्रम। यहाँ पे हमने जो रुदौली विधानसभा के जितने बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता है उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम किया गया है, और क्योंकि लोगों से मेरा, मैं फर्स्ट टाइम पार्टी में आया हूँ, क्योंकि कभी किसी से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तो इसलिए कहा कि सबसे एक मुलाकात भी हो जाएगी, एक सबका सम्मान भी हो जाएगा। तो कितने दिनों बाद यहाँ सम्मान का कार्यक्रम हुआ? तो ऐसे फर्स्ट टाइम अभी मैंने किया, क्योंकि 2020 में 27 दिसंबर को मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, तो अभी तक किसी से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, तो इसीलिए मैंने कहा सबसे एक मिलना भी जरूरी है और सबसे सम्मान भी उसका हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि यहाँ पे सम्मान के कार्यक्रम को तो कैसा लगा? सम्मान का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, और पहली बार ये जो है कार्यक्रम जो है अनिल शुक्ला जी ने किया है, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता वो जोश खरोश में है, 2022 में चुनाव जो है समाजवादी पार्टी जीतेगी, और जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, उनमें से आज जो है क्लियर हो गया कि एक आदमी किसी को भी टिकट मिलेगा, सारा कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेगा और मेहनत करेगा। क्या कहेंगे आप आज सम्मान समारोह? हम लोग आज अनिल शुक्ला भाई के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, और यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। अमित शुक्ला भी बहुत अच्छे आदमी हैं, और भविष्य में जिसको टिकट मिलेगा हम कार्यकर्ता उसके साथ में रहेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में खुशी है, क्योंकि बहुत दिनों बाद यहाँ कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। विनय मिश्रा, साधना न्यूज, अयोध्या। और इस बुलेटिन में इतना ही, देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।